थिस्सलुनीकियों उसका पांच अध्याय एक से लेकर तीन आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पांच अध्याय एक से लेकर तीन में पौलुस कहता है, बड़े भाइयों इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पौलुस ने कलीसिया को बताया, पौलुस ने कलीसिया को अंत के दिनों के विषय में सचेत किया, और पौलुस ने इस बात को कहा कि अंत के दिनों में जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, शांति है, सब कुछ अच्छा है और कोई भी डरने की बात नहीं है, तो उनके ऊपर एकाएक ही विनाश जो है वो आ जाएगा। पौलुस ने कहा अंत के दिनों में कितने ऐसे लोग आ जाएंगे, पौलुस ने कहा, जो इस बात को कहेंगे कि कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ कुशल है, शांति है। और आज ऐसे बहुत तेरे लोग आ गए। अभी कुछ दिनों पहले एक बहन है और बाइबल सेमिनरी से वो एमटीएच करी हुई है, और उस बहन ने मुझे एक वीडियो क्लिपिंग जो थी वो भेजी, और उस वीडियो क्लिपिंग के नीचे उस बहन ने लिखा हुआ था कि पास्टर साहब आप जरूर से इस वीडियो क्लिपिंग को देखना और इस बात को जानना कि ये प्रचारक जो है वो कितनी गलत बातों का प्रचार मसीहों के बीच में कर रहा है। और जब मैंने उस वीडियो क्लिपिंग को देखा, जो एक भारतीय प्रचारक की वीडियो क्लिपिंग थी, अपने संदेश में वो प्रचारक जो है इस बात को बोल रहा था कि आज बाइबल की कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है, और उसने कहा कि यदि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी भी हो रही है तो भी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। पौलुस ने कहा कि जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, शांति है और घबराने की कोई बात नहीं है, तो उनके ऊपर एकाएक ही विनाश आ पड़ेगा। आज कितने ऐसे लोग आ गए हैं जो इस बात के बारे में बोल रहे हैं कि मसीहों को तैयार होने की जरूरत नहीं है यीशु के दूसरे आगमन के लिए, और उनका कहना है कि जो इस बात का प्रचार तक करता है कि आप यीशु के दूसरे आगमन के लिए खुद को तैयार कर लो, वो कलीसिया को भरमाने वाला है, कलीसिया को तैयारी का संदेश देने वाला, कलीसिया को भरमाने वाला कैसे हो गया। यीशु ने तो खुद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 44वें वचन के अंदर कहा कि तुम हर समय तैयार रहना, तुम तैयार रहना क्योंकि मैं कभी भी इस संसार के अंदर आ जाऊंगा। यीशु ने तो खुद तैयारी का संदेश अपने शिष्यों को प्रचार किया, तो यीशु जब अपने शिष्यों को तैयारी का संदेश दे रहा था तो क्या यीशु अपने शिष्यों को भरमा रहा था। लेकिन आज कितने ऐसे लोग आ गए हैं जो बाइबल की भविष्यवाणियों का मजाक बनाने में लगे हुए हैं, बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ करके मसीहों के सामने पेश कर रहे हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 25वें वचन के अंदर इब्रानियों की पत्री का लेखक जो है वो इस बात को कहता है, इब्रानियों 10:25 में, कि जैसे जैसे तुम उस दिन को निकट आते हुए देखो वैसे वैसे एक दूसरे के साथ संगति करना और भी ज्यादा तुम शुरू कर दो। इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम सावधान रहो, सचेत रहो, और जैसे जैसे तुमको दिखाई दे कि यीशु के वापस आने का समय निकट आ रहा है वैसे वैसे तुम और भी ज्यादा संगति और प्रार्थना करने के अंदर लग जाओ।
लेकिन आज कितने ऐसे प्रचारक भारत के अंदर भी आ गए हैं जो अमेरिका जाकर के वहां से वो सारा कचरा लेकर के इंडिया आ जाते हैं और इंडिया में आकर के वो अमेरिकी कचरा जो है वो पूरे इंडिया के अंदर फैला रहे, मसीह लोगों के दिमागों के अंदर उस गलत शिक्षा को भर रहे। आता जाता कुछ नहीं है, जिंदगी में कभी बाइबल कॉलेज या बाइबल सेमिनरी तक नहीं गए हैं, पांचवी फेल, छठी फेल, जिंदगी में कभी बाइबल सेमिनरी नहीं गए, बस खड़े होकर के कहते हैं कि चेले कब बाइबल सेमिनरी गए थे। तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि चेले जो थे वो बाइबल सेमिनरी गए थे 3.5 साल तक। चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक बाइबल की शिक्षा ले रहे थे। और 2000 साल पहले जो यहूदियों की सेमिनरी हुआ करती थी उसको येशिवा कहा जाता था, और येशिवा में शिक्षा प्राप्त करने का ये तरीका हुआ करता था कि चेले जो हैं अपने गुरु के साथ साथ हर जगह के ऊपर रहा करते थे। और यीशु के शिष्य जो थे उन्होंने 3.5 सालों तक यीशु से बाइबल अध्ययन लिया था। और इसीलिए जब चेले यहूदी महासभा के सामने रूबरू हुए तो प्रेरितों के काम के अंदर लिखा हुआ है कि जब फरीसियों ने और प्रधान याचकों ने शिष्यों को देखा, यीशु के शिष्यों को देखा, तो जाना कि ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक अलग ही प्रकाशन मौजूद था। लेकिन आज जो लोग निठल्ले लोग जो बाइबल कॉलेज तो नहीं जाना चाहते हैं लेकिन बेकार की बातों को लेकर के खड़े हो जाते हैं और पवित्र आत्मा का नाम ले ले करके गलत गलत शिक्षाओं को आज कलीसियाओं के अंदर प्रचार कर रहे हैं, कलीसियाओं में प्रचार कर रहे हैं। और मसीही लोग भी कम नहीं है, वो कभी बाइबल तो पढ़ते हैं नहीं और झूठी झूठी शिक्षाओं को लेकर के अपने धर्म सिद्धांत जो है वो बना रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्रचारक का संदेश YouTube के ऊपर सुन रहे हैं, Facebook के ऊपर सुन रहे हैं, WhatsApp के ऊपर सुन रहे हैं या आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर सुन रहे हैं, उस प्रचारक का धर्म वैज्ञानिक बैकग्राउंड क्या है, उसका थियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका विश्वास क्या है, क्या वो वही विश्वास करता है जो आप विश्वास करते हैं या वो आपको भरमा रहा, पवित्र आत्मा के बारे में वो क्या जानता है, कहीं वो पवित्र आत्मा का विरोधी तो नहीं है, कहीं वो बाइबल की कुछ शिक्षाओं का विरोधी तो नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम एक बहुत ही भयानक दिनों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां पर कलीसियाओं के अंदर सिर्फ भ्रम ही भ्रम आज फैलता चला जा रहा है। और यीशु के दूसरे आगमन के विषय में जो सबसे बड़ा विरोध में जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है, ऐसे प्रचारक जो यीशु के दूसरे आगमन पर खुद तो विश्वास करते नहीं है क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि यीशु मसीह वापस आ जाए, क्योंकि यदि यीशु वापस आ गया तो उनकी सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगी, इसलिए वो यीशु के दूसरे आगमन का विरोध करते हैं। और जो सबसे बड़ा तर्क वो दूसरे आगमन के विरोध में देते हैं वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 14वें पद में पाया जाता है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर यीशु ने कहा कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और बहुत सारे प्रचारक जो है इस बात को बोलते हैं कि यीशु ने इस बात को बताया कि जब सुसमाचार सारी जातियों में प्रचार किया जाएगा, प्रचार हो जाएगा, उसके बाद अंत आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे प्रचारक जो इस वचन को लेकर के यीशु के दूसरे आगमन को डिनाय करते हैं वो सारे के सारे प्रचारक जो है वो कभी भी वो बाइबल सेमिनरी बाइबल कॉलेज नहीं गए होते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्रिश्चियन थियोलॉजी क्या है, उनको पता ही नहीं है कि क्रिश्चियन थियोलॉजी जो है वो कहती क्या है, उनको पता ही नहीं। और वो कहते हैं कि बाइबल कॉलेज या बाइबल सेमिनरी जाना बेकार है, बस हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं।
जो बच्चे बाइबल सेमिनरी के अंदर आज पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। बाइबल सेमिनरी के अंदर 4 साल यदि वो बिता करके आए तब जाकर के उनको पता चलेगा कि बाइबल सेमिनरी जो है वहां पर जाकर के पढ़ाई करना कितना ज्यादा कठिन होता है। 1 साल यदि ऐसे प्रचारक बाइबल सेमिनरी होकर के आ जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो बाइबल कॉलेज के अंदर बच्चे शिक्षा आज ले रहे हैं यदि उनका एक असाइनमेंट, 4 सालों के असाइनमेंट नहीं, सिर्फ एक असाइनमेंट ही ऐसे प्रचारक करके दिखा दें तो उनको नानी याद आ जाएगी। बाइबल कॉलेज को दरकिनार करते हैं। और मेरे प्रिय, क्योंकि क्रिश्चियन थियोलॉजी तो ऐसे प्रचारकों ने पढ़ी नहीं है इसलिए उनको पता ही नहीं है कि बाइबल क्या शिक्षा देती है। और वो कहते हैं कि जब सुसमाचार पूरा प्रचार होगा उसके बाद अंत आएगा, यीशु ने ही तो कहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि बाइबल अंत के दिनों के विषय में क्या कहती है। और सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने तो कहीं ऐसा एक झूठा प्रचारक कहीं आपके शहर के अंदर ना आ जाए और कहीं आप उसकी शिक्षाओं में फंस ना जाए, इसलिए पहले से ही बता करके जा रहा हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, जिनको नींद आ रही है वो भी सुन ले, और यदि आपके बाजू में कोई बैठ करके सो रहा हो तो उसको भी जोर का धक्का दे करके आप जगा देना, क्योंकि अब सोने का नहीं लेकिन जाग उठने का समय आ पहुंचा है। अंत के दिनों के विषय में बाइबल क्या कहती है? बाइबल इस बात को बताती है, नया नियम जो है इस बात को बताता है कि अंत के दिनों की शुरुआत जो है वो उस दिन से ही हो गई थी जब पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन यरूशलेम के अंदर उतरा था। और नया नियम इस बात को साफ तौर से बताता है कि जिस दिन पवित्र आत्मा यरूशलेम में उतरा पेंतिकुस्त के दिन, वहीं से ही अंत के दिनों की शुरुआत जो है वो हो गई थी। और इसीलिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 15 से लेकर 21 वचन के अंदर इस बात के बारे में लिखा हुआ है। पत्रस जब खड़े होकर के प्रचार करता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 15 से लेकर 21 में, तो पत्रस इस बात को कहता है अपने संदेश में कि जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने अंत के दिनों के लिए योएल भविष्यवक्ता के द्वारा करवाई थी, आज जब पवित्र आत्मा उतरा है तो अंत के दिनों की ये भविष्यवाणी जो है वो आज तुम्हारे सामने पूरी हो गई है। पत्रस ने इस बात को कहा, जिस दिन पवित्र आत्मा यरूशलेम में उतरा उस दिन से ही पत्रस ने कहा कि अंत के दिनों की शुरुआत जो है वो हो गई है। और इसीलिए प्रारंभिक कलीसिया के अंदर ये माना जाता था, प्रथम शताब्दी में भी जब खुद प्रेरित लोग जिंदा थे उस समय भी यह माना जाता था कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक वचन हम पढ़ लेते हैं, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 18वां वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 18वां वचन, जहां पर यूहन्ना खुद यीशु का शिष्य इस बात को लिखता है, हे लड़कों यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं, इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यूहन्ना ने भी इस बात को कहा कि अंत के दिन जो हैं वो चल रहे हैं। और कुछ वचनों को मैं आपके सामने बोल रहा हूं, हम उनको पढ़ेंगे नहीं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 11वां वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय 1 और 2वां वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय 26वां वचन, 1 पत्रस उसका 1 अध्याय 20वां वचन, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 3 पद, मैं वापिस से बोल रहा हूं, 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 11वां वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय 1 और 2वां वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय 26वां वचन, 1 पत्रस उसका 1 अध्याय 20वां वचन और याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 3 पद,
नए नियम के इन वचनों के अंदर इस बात को साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि अंत के दिनों की शुरुआत जो है वो तो उस समय से ही हो गई थी जब पवित्र आत्मा यरूशलेम के अंदर उतरा था। और इसीलिए शिष्यों ने कहा कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसीलिए कलीसिया इतिहास के 2000 सालों में जितने भी मसीह विश्वासी आए, प्रचारक आए, इस बात को बोल करके गए कि यीशु मसीह आने वाला है, अंत के दिन चल रहे हैं। 2000 सालों के अंदर जो मसीही लोग आए वो कोई भरमाए नहीं गए थे, लेकिन उनको पता था कि बाइबल जो है, नया नियम जो है, वो अंत के दिनों के विषय में क्या संदेश देता है। और जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 14वें वचन में यीशु ने कहा कि तब अंत आ जाएगा, तो यीशु के कहने का मतलब था कि जब राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जा रहा होगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो रही होगी, उस समय अंत आ जाएगा, यानी अंत के दिनों का अंतिम चरण जो है वो उस समय शुरू हो जाएगा। यीशु ने इस बात के बारे में बता दिया था, क्योंकि यदि यीशु वहां पर बोल रहा होता कि जब सुसमाचार पूरा प्रचार कर दिया जाएगा हर जाति में तो अंत आ जाएगा, तो यीशु उसके बाद दूसरी भविष्यवाणियों को अंत के दिनों के विषय में नहीं देता। लेकिन जब यीशु ने कहा कि तब अंत आ जाएगा, उसके बाद भी यीशु ने भविष्यवाणियों को देना कंटिन्यू रखा, यानी यीशु बता रहा था कि जो अंत के दिनों का अंतिम चरण अंत के दिनों के अंदर शुरू होगा उसके अंदर कौन कौन सी भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होगी। और यहूदी मान्यता जो है मेरे प्रियो वो भी यही है, हजारों सालों से यहूदी लोग भी इस बात को मानते हुए आए हैं कि समय का भविष्य में एक चरण ऐसा आ जाएगा जहां से मसीह के दिनों की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। यहूदी मान्यता में भी हजारों सालों से यही माना जाता है, और वही बात यीशु ने अपने शिष्यों को बताई थी कि अंत के दिनों का सबसे बड़ा चिन्ह होगा कि सुसमाचार जिस समय हर जाति के ऊपर गवाही के तौर पर प्रचार किया जा रहा होगा तब अंत जो है वो आ जाएगा, यानी अंत के दिनों का अंतिम चरण जो है, लास्ट फेज जो है वो शुरू हो जाएगा। और पौलुस ने कहा कि जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, शांति है, कुछ डरने की बात नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और आज बाइबल की भविष्यवाणियां जो है उनकी हंसी पूरी दुनिया के अंदर उड़ाई जा रही है।